forced marriage is a human rights violation and a harmful practice that disproportionately affects girls and boys globally, preventing them from living their lives free from all forms of violence. Forced marriages threaten the lives and futures of the girls and boys around the world, robbing them of their agency to make decisions about their lives, disrupting their education, making them more vulnerable to violence and preventing their full participation in economic, political, and social spheres. Forced marriages often result in boys and girls attempting to flee their communities or to commit suicide to avoid or escape the marriage. Around 37% of girls have been reported eluding the scene of marriage by their families. Every day, women are killed in the name of honor by family members just because they refuse to be forced into marriage, which, by the way, are now infamously called arranged marriages. मेरी शादी तकरीबन 18 साल की उम्र में हुई और मेरे कज़न के साथ हुई. वो मैंने उन्हें देखा नहीं हुआ था. मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी उनके साथ. शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई. मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी उन्हें. अय्याश किस्म के शख्स थे जिनसे मेरी शादी हुई. मेरी मुलाकात नहीं हुई, ना मैं उनसे मिली, ना मैंने उनसे मिली, उनसे शादी हुई. वो जब मैं उनसे उन्हें देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने उन्हें पहले देखा हुआ नहीं था. गांव का माहौल था, मुझे पसंद नहीं आया. फिर मेरी एक बेटी हो गई, उन्होंने पूछा तक नहीं मुझे कि आपकी मेरी बेटी हुई, मैं जाऊं उनको देखूं, कुछ भी नहीं. अय्याश किस्म के शख्स थे वो, बाहर लड़कियों में इंटरेस्ट रखते थे. फिर मैंने अपनी वालदा को कहा कि आप मुझे हुला दिलवा दें, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती. लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा माशरा इस तरह का नहीं है, हम लोग नहीं ऐसे कर सकते. इधर जब आए तो हमारी फिर लड़ाई झगड़े वैसे ही. मैंने उन्हें कहा मुझे घर लेके दे, मैं अलग से रहूँगी, अपनी बच्चियों की देखभाल करूँगी, स्कूल में एडमिशन दिलवाऊँगी. कहते कोई बात नहीं, अगर ना बच्चियाँ पढ़ी तो कोई ऐसा मसला नहीं है. वो मुझे ख़र्चा नहीं देते थे. तो जब मेरे वाले साहब को पता चला, उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं ऐसे मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखते, अपनी बच्चियों का भी नहीं ख्याल रखते. कहते बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती जाए, जैसे है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता. एक दिन हमारे घर आए और हम दोनों की आपस में लड़ाई हुई. तो मैंने कहा बच्चियों का ख़र्चा दें, इनको स्कूल में एडमिशन दिलवाना है. तो नहीं ऐसे ही. फिर वो दो तीन दिन बाद वो गुजरे तो मुझे डिवोर्स पेपर दे दिया उन्होंने, जिससे मेरे वालिद को पता चला. वो बड़े डिसार्ड हुए और उनकी डेथ हो गई. मैं अब तक भी अपने भाइयों के साथ रह रही हूँ, अपनी तीन बच्चियों के साथ. बड़ी वाली मेरी बच्ची की डेथ हो गई, मैं अपनी बच्चियों को खुद पाल रही हूँ. मेरे भाई भी सपोर्ट करते हैं लेकिन मैं खुद करके अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ. There has been a sharp increase in the number of men seeking help with forced marriages as well. Gay men in Pakistan are forced into marrying girls by their families in hopes to straighten them out. The threats to these young men and women are very real. हमारे क्वेटा में जो बलूचिस्तान में सिचुएशन है कि बच्चों को एट द अर्ली एज मतलब शादी के लिए फोर्स करते हैं, उनके विदाउट परमिशन उनकी शादी करा देते हैं. मेरा इशू ये है कि मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है शादी के लिए. मुझे कोई ऐसा सच इंटरेस्ट नहीं है और मैं किसी और की ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहता हूँ. मुझे फ़ीमेल जेंडर में कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमारी तरफ इस चीज़ के बारे में उनको कोई नॉलेज भी नहीं है और वो जानते भी नहीं है कि इफ़ यू गे तो आपको मार देते हैं वहाँ पर. तो सबसे ज़्यादा टेंशन आपके सोसाइटी का ही होता है. पेरेंट्स को पता तो है लेकिन वो ऐसे इग्नोर करते हैं इसको. वो कहते हैं कि एक फ़ेज़ है, गुजर जाएगा. वो अपनी उस सोच को चेंज नहीं कर पा रहे जो रिस्ट्रिक्टेड किस्म की है. मैं चाहता हूँ अपनी सोच चेंज करें लेकिन वो हो नहीं पा रहा उनसे, क्योंकि ऐसा कल्चर जो है उन्हें फोर्स कर रहा है इस चीज़ को करने में. मैंने बहुत कोशिश की है मैं सेल्फ हार्म करूँ और सुसाइड करने की भी कोशिश की है मैंने. तो बहुत प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुए हैं. फिज़िकल अटैक्स होते हैं, मारने की धमकियाँ, ये सब कुछ करते हैं मेरे साथ. मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सेफ़ फील करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सच एक्सेप्ट कर लिया है. लेकिन मैं पेरेंट्स मुझे
ट्रामेटाइज भी करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं और मुझे ज़बरदस्ती कहते हैं कि शादी करो, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मुझे डिप्रेशन फील होता है कभी कभी इस चीज़ के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि मैं भाग के कहीं और चला जाऊँ। इसकी प्रॉब्लम, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ के बारे में, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिजिस्ट करूँ, फिर भी मैं रिजिस्ट नहीं कर सकता। Over the last years, actions to end forced marriages have increased at international, regional, and national levels. The levels of abuse, exploitation, and control experienced by the children as a result of child and early marriage can often meet international legal definitions of slavery and slavery-like practices, such as forced labor and trafficking. 21% of girls in Pakistan are married before their 18th birthday, and 3% are married before the age of 15. Most of cases are forced marriages, either due to the pressure of parents or society. Marriage hoti hai, marriage is a contract, civil contract hota hai. Dono frequent isme offer, marriage jo contract ke ingredients hai na, offer, accept, offer and acceptance. अब इसमें ये होगा कि मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं। इसमें एक होती है ऑफ़र, एक होती है एक्सेप्टेंस। जब एक तरफ से ऑफ़र ही ना आए, एक तरफ से एक्सेप्टेंस ही ना हो, तो फिर वो तो मैरिज होती ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। खातून के पास या फीमेल के पास ये रेमेडी होती है कि वो सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन बेसिस ऑफ खुला क्रूएल्टी, जो भी ग्राउंड है उसमें फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत 1964 सब सेक्शन सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 के तहत रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज क्लेम करके अपनी आज़ाद हो सकती है, बंधन से खुला ले सकती है। जिसे क्रिमिनल साइड पे ये होता है कि अगर लड़ से किसी का गन पॉइंट पे किया जाए या ज़बरदस्ती किया जाए, 498B है फोर्स मैरिज पे, तो उसमें 7 ईयर पनिशमेंट है। तो वो तो इलीगल काम ही इलीगल है, इलीगलिटी है टोटल। गन पॉइंट पे करे, ज़बरदस्ती करे, इंडियन इन्फ्लुएंस करे वगैरह वगैरह जो भी इसमें आते हैं, वो तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आ जाए कि फोर्स मैरिज में वो तो मैरिज होगी ही नहीं एट एनी कॉस्ट। हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में 7 years की पनिशमेंट है। People have modernized, changed their lifestyles, but are reluctant on giving up this awful mentality. It has remained a stereotype that the girls are only forced for marriages, but it has changed its shape and took place among the modern family, who not only force their daughters to marriage, also their sons. Due to this, it has raised the ratio of forced marriages in Pakistan. According to UNICEF, Pakistan has the 6th highest number of absolute child brides in the world. असल में शहरों में पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब ऐसे वाक़ियात जो अक्सर दही इलाकों में दूर दराज जंगलों में और वीरान इलाकों में जहाँ पे मीडिया या अखबार या कोई ऐसी रसाई नहीं होती, वहाँ पे ऐसे केस होते हैं। अगर कोई इस तरह की वालदैन भी ज़बरदस्ती शादी करवाते हैं तो वालदैन भी उसी ज़ुमरे में आते हैं जैसे शादी करने वाले होते हैं, मतलब सारों पे वो दफात जो है ना लागू होती है और कानून के मुताबिक उनको गिरफ़्तार किया जाता है, FIR लाज की जाती है, उसके मुताबिक फिर लीगल प्रोसेस शुरू होता है। सारों जितने बंदे उसमें जो जो इन्वॉल्व होता है उसको गिरफ़्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाते हैं पुलिस वाले। Think of those who do not have the guts even to register an FIR against those who force them to get married due to the threats and domestic violence. Pakistan has committed to United Nations that it will ensure an end to underage and forced marriages in the country by 2030 in line with its plan to achieve sustainable development goals. As per the Pakistan Demographic and the Health Survey 2012 and 2013, about a third of all women in Pakistan attain motherhood by the age of 20, while one in every four married women aged between 20 and 24 have been through child marriage. According to the government to Pakistan, they are designing a detailed policy against this unlawful act, and with the help of international agencies, they aim to end this.